तो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हरियाणा पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ है आज 30 दिसंबर का, फीमेल मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम देखेंगे फ्रेंड्स, फुल एनालिसिस देखेंगे फ्रेंड्स इसमें, और सारे के सारे आंसर कीज देखने वाले हैं, फुल 100 आंसर कीज देखेंगे फ्रेंड्स। देखिएगा, इस वीडियो में आपको सारे आंसर मिलने वाले हैं, और देखिए फ्रेंड्स, मेरा कहना ये है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपको 100 के 100 क्वेश्चंस, लगभग 100, मैं ये नहीं बोलूँगा कि 100 के 100, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मुझे भी नहीं आते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं भी परफेक्ट हूँ, कुछ क्वेश्चन मुझे भी नहीं आते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है रह जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यही कि लगभग 90 या 95 क्वेश्चंस आप इसमें देखने वाले हैं। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर आता है, उन सभी की वीडियोस ऑनलाइन फ्री स्टडी की प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगी, और फ्रेंड्स उन वीडियोस की आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो पीडीएफ कहाँ मिलेगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का ग्रुप दिया होगा, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कीजिए और उन वीडियोस को देखिए, वहाँ पर टेलीग्राम वीडियोस भी मिल जाएंगी और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन नंबर हम थर्ड से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, थर्ड पे स्टार्ट करेंगे और लिखा हुआ है, पूरे राष्ट्र में पंचायत राज और नगर पालिका संस्थानों में संरचना में समानता लाने वाला संशोधन है, तो कौन सा संशोधन है आपको बताना है। तो ऑप्शन बी 73 और 74 संशोधन था। क्वेश्चन नंबर 4, संस्थानों के भीतर आंतरिक संप्रेक्षण के माध्यम से क्या किया जाता है, वैन, लैन या एमएमएस या ईबीबी। तो फ्रेंड्स, आपका आंसर है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, वह शब्द चुनिए जो समूह में अन्य शब्दों से कम मिलता है, बताना मतलब जो मिलता नहीं है। ओथेलो, किंग लीथर, ओलिवर ट्विस्ट या मैकबेथ। तो फ्रेंड्स, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, गुरुद्वारा धमतान साहिब की स्मृति में बनाया गया, कहाँ बनाया गया बताना है, कहाँ पर बनाया है, गुरु गोविंद सिंह की, गुरु नानक, गुरु तेज बहादुर या उक्त में से कोई भी नहीं। तो आपका आंसर होगा गुरु तेज बहादुर। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस राज्य का निजी संविधान है। तो किस राज्य का ये फ्रेंड, बहुत ही सिंपल तरीके से आप बता सकते हैं, आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक विश्व विरासत स्थल नहीं है, अहमदाबाद नगर स्मारकों का हम्पी समूह, बेलूर हेलीवेडू स्थल या उक्त में से कुछ भी नहीं, यानी कि नन ऑफ दिस। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, फरल ग्राम में फाल्गु उत्सव पर होता है, फाल्गु उत्सव पर क्या होता है, तो आपको बताना है ये सोमवती अमावस्या होती है, क्या होती है, सोमवती अमावस्या होती है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, हरियाणा विधानसभा में वर्तमान में स्पीकर कौन है बताना है, अभय सिंह चौटाला, मनोहर लाल खट्टर, तो ये तो गलत ही, अभय मनोहर लाल खट्टर, ठीक है, कंवर पाल गुज्जर या संतोष यादव। तो कंवर लाल गुज्जर जो हैं, ऑप्शन सी इसका आंसर सही है, ठीक है, स्पीकर है। अब 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बिलियन कैरेक्टर्स को दर्शाता है मेगावाइट, किलोवाइट, टेरावाइट या गीगावाइट, मिलियन कैरेक्टर्स को, तो यहाँ पर गीगावाइट्स आपका आंसर आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, तो देखिए आज जो है कुछ क्वेश्चन जो है कंप्यूटर की तरफ से भी देखने के लिए मिले। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बैसाखी सामान्यता किस दिन मनाई जाती है, तो किस दिन मनाई जाती है सभी को पता होगा, 14 अप्रैल को, ऑप्शन ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 14, तो देखिए ये मैथ के क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं, तो आपको क्या करना है, मेरे क्वेश्चन जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व कीजिएगा और आंसर मैच कीजिएगा, तो इसका आंसर आएगा 225, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, वह व्यक्ति जिसे सामान्यता से आधुनिक चीन का संस्थापक माना जाता है, सन यत सेन, गोमिंगडोंग, आमो जिनडोंग या डेंग जियो ओपिंग, तो सन यत सेन इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए।
फ्रेंड्स इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप पर मैं सेंड कर दूंगा ऑप्शन के आंसर सहित। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, एशियाई शेर के लिए विश्व का केवल एक आवास निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुटथी राष्ट्रीय उद्यान या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन बी आपका सही है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 17, कंस्ट्रक्टर हेतु प्रयुक्त होते हैं, कंस्ट्रक्टर के लिए क्या प्रयुक्त होता है? आंकड़े बनाना, वस्तु आरंभ करके, ऑप्शन ए और बी दोनों, या ऑप्शन ए बी दोनों में से कुछ भी नहीं, यानी कि कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही है, आंकड़े बनाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये जो है क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे। 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हरियाणा में, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू की? तो कुरुक्षेत्र, पानीपत, चंडीगढ़ या पंचकुला। तो पानीपत में ये उन्होंने शुरू की। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 21, राहुल ने आनंद से कहा ओके, आनंद से कहा, कल मैंने मेरी नानी की बेटी के इकलौते भाई को हराया। तो राहुल ने किसे हराया, तो आपको बताना है कि राहुल ने किसे हराया। तो बताइए, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है, राहुल उससे किस प्रकार संबंधित, जहाँ से कट गया है फ्रेंड्स, तो इसका जो जो कटा हुआ भाग है वो दिख नहीं रहा है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। ऑलरेडी ये जो पीडीएफ है उसमें दिख नहीं रहा है। ओके, तो ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। समरूप युग्म पूर्ण कीजिए, समरूप युग्म मतलब कि हमें बताना था मछली जो है, मछली देखिए पानी में, मछली जो है देखिए पहले है पक्षी, पक्षी क्या हवा में चलता है, हवा में तैरता है, मान लीजिए उड़ता है या तैरता है। अब मछली क्या करती है, पानी में तैरती है। हवाई जहाज क्या करता है, हवा में तैरता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो दोनों युग्म बताए हैं वो जीवित हैं और यहाँ पे वो निर्जीव युग्म चीज बता दी, हवाई जो है उसमें कर रहा है। तो आपको ऑप्शन देखिए किस प्रकार दिए हुए हैं, पनडुब्बी, जहाज, नाव और मगरमच्छ। ओके, तो देखिए नाव इसके अंदर नहीं दौड़ेगी, नाव किसका क्या करेगी, मछली पानी के अंदर है तो अंदर वाली चीज आपको चाहिए। ठीक है, तो पहले तो जहाज जो है उस पानी के ऊपर हो रही है, नाव भी पानी के ऊपर हो रहा है, अब मगरमच्छ क्या है, जिंदा चीज है, तो ये तीनों एलिमिनेट कर दिए हमने। ठीक है, तो पनडुब्बी बची, जो पनडुब्बी नीचे रहती है और ये क्या रहती है, निर्जीव रहती है, पनडुब्बी निर्जीव है, बाकी उसके अंदर तो जीवित इंसान ही रहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, तो ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा और आंसर मैच कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 25 घंटे। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, गुरुग्राम में स्थित एक लोक कथा संग्रहालय है, कौन सा है बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी धरोहर संग्रहालय है, कौन सा है, धरोहर संग्रहालय है आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 26, वह देश जिन्हें एशियान के संस्थापक सदस्यों के रूप में जाना जाता है, आपको बताना है ऐसा देश जो एशियन संस्थापक के सदस्यों के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड इसका आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, हरियाणा लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, मनवीर सिंह वाणाना या नरेंद्र सिंह तोमर, अजय सूर या उपरोक्त कोई नहीं, उपरोक्त कोई तो हटा दीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर का, तो 28 नंबर के क्वेश्चन का मैथ है, तो मैथ में जो बन रही है रेखाएं, तो ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा इसका आंसर, 0, 1 और 0 रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, हमसे क्वेश्चन पूछा है और इसका आंसर रहेगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, C4 पौधों की मेसोफिल कोशिकाओं में प्राथमिक C2O ग्राहियों का नाम बताइए, तो इसका नाम है फॉस्फोइनॉल पाइरोबेट, ऑप्शन बी इसका सही कर आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, मेमोरी परिपथ का एक प्रकार है जो बूट लोडर जैसे कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर का धारण करता है, रोम, रैम, रिम, कैश। तो आपका आंसर है रोम, क्या है, रोम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैंने बोला था आज से कंप्यूटर क्वेश्चन जो है आज बहुत आए हैं, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत मिलने वाले हैं, अभी भी आगे भी क्वेश्चन बचे हुए हैं।
प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्रजातीय का उद्भव द्वारा दिया गया, किसके द्वारा दिया गया है? लैमार्क द्वारा, लिनियस द्वारा, चार्ल्स डार्विन द्वारा या इरिसम द्वारा। ठीक है, तो क्वेश्चन है आंसर इसका चार्ल्स डार्विन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33, एक C++ प्रोग्राम में वर्ग के सदस्य डिफॉल्ट रूप में होते हैं, तो किस रूप में होते हैं? सार्वजनिक रूप में होते हैं, निजी रूप में होते हैं, संरक्षित रूप में होते हैं? तो आपका आंसर सार्वजनिक रूप में होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, महात्मा गांधी को पहली बार हरियाणा के रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया, किस रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया? सभी को पता होगा आई थिंक, तो ये पलवल है। ओके, क्या है पलवल? क्वेश्चन नंबर 35, हरियाणा के वर्तमान लोकायुक्त है, वर्तमान लोकायुक्त कौन है? प्रीतम पाल, न्यायमूर्ति नवल किशोर अग्रवाल, कप्तान सिंह सोलंकी। फ्रेंड्स ऑप्शन ए बी सी आपके पास, बताइएगा। और इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, नवल किशोर अग्रवाल। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, दूध में किस तत्व की कमी होती है? प्रोटीन की, कैल्शियम की, लोहे की या मैग्नीशियम की? देखिए प्रोटीन तो होता ही है, कैल्शियम होता ही है उसमें, तो लोहा होता है, लोहे की कमी रहती है, बाकी मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम भी उसमें रहता है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, 1969 के बाद से राष्ट्रीयकृत हुए बैंकों की संख्या है, तो ये है ऑप्शन सी 14 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, मौलिक अधिकारों की संचालन को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? तो किसके पास है? वो है राष्ट्रपति के पास। ओके, क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय मूल के अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कल्पना चावला इस स्थान में जन्मी, तो फ्रेंड्स बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आई थिंक पता हो, ऑप्शन नंबर ए करनाल में। क्वेश्चन नंबर 41, और ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, हरियाणा के इस जिले में सर्वाधिक विधानसभा चुनाव क्षेत्र है, तो चुनाव क्षेत्र कहाँ पर है? हिसार में है सबसे ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने उमंग ऐप जारी किया है, यह ऐप किसके लिए है? ऑनलाइन बैंकिंग के लिए है, सभी ई गवर्नमेंट सेवाओं हेतु एकल खिड़की प्लेटफॉर्म है, बाल यौन उत्पीड़न मामलों के पंजीयन के करना है या उक्त सभी? तो ये आपका है ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 45, तो देखिए इसे पढ़ लीजिएगा, उसको पढ़ने के बाद बताइएगा आंसर। ये है ब्रह्म सरोवर, क्या है? ब्रह्म सरोवर। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर जो रहेगा फ्रेंड्स वो रहेगा ऑप्शन ए 10। और देखिए जो जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं जो पढ़ना है उनको ऑलरेडी मैं पढ़ चुका हूँ, आंसर दे चुका हूँ, तो मैं इनका आंसर दे रहा हूँ, जो छोटे हैं उनका मैं आपको बोलकर पढ़ के सुनाऊंगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 47 का, क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर ए, अमेरिकन स्टेट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 और 49 देखेंगे, तो हरियाणा में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य था, तो पहला राज्य था कब था बताना है, तो ये था ऑप्शन सी 1970 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 49, जीई नाविक की त्रिज्या बीई के त्रिज्या की दुगनी मापी गई, तो जीई की न्यूक्लियॉन की संख्या कितनी होगी? तो बतानी है कितनी होगी, तो न्यूक्लियॉन की संख्या कितनी होगी बतानी थी फ्रेंड्स। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे क्या होगा, क्योंकि तो इसका आंसर मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि 74 होगा या 72 होगा। ओके, तो ये मुझे आप देखिए 50 क्वेश्चन नंबर देखिए, यदि जेड बराबर 52, एक्ट बराबर 48, बीएटी बराबर क्या होगा? तो बीएटी बराबर होगा ऑप्शन नंबर डी 46। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे फ्रेंड्स, वह अन्योनियन क्रियन जो दंश स्पर्श वाले समुद्री फूल और उनके बीच रहने वाले क्लोन मछली के मध्य होता है, वह का उदाहरण है? तो उदाहरण है सहभोजिता, क्या है? सहभोजिता। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे फ्रेंड, जो बड़े बड़े क्वेश्चन है उनको हम सिर्फ ऑप्शन देखेंगे और उनका आंसर देखेंगे। ओके, ये क्वेश्चन छोटे हैं तो उनका पढ़कर देखेंगे, बिल्ली से पंजा संबंधित है उसी प्रकार खुर से संबंधित है, खुर से संबंधित क्या है? खुर से संबंधित है घोड़ा। शिवालिक पहाड़ियां हरियाणा के भाग में, किस भाग में? उत्तर पूर्व भाग में। ओके,
निम्नलिखित में से कौन सा एक पाइथन 3.0 में क्लोरो युक्त विभाजन है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 55, द्विघातीय समीकरण आपको दिया था। ओके, उसमें के का मान आपको निकालना था, तो के का मान आएगा प्लस माइनस 2√6। ओके, 56 क्वेश्चन, जब भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे तब वे चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, किसका करते थे? भिवानी का, तोशाम का, पटौड़ी का या झज्जर का? तो ऑप्शन है झज्जर का। ओके, क्वेश्चन नंबर 57, अनार्जक संपत्ति यानी कि एनपीए जो पिछले कुछ वर्षों से सुर्खियों में है वह से जुड़ी है, किससे जुड़ी है? बीमा कॉरपोरेशन से, बैंकिंग प्रतिष्ठानों से, कॉर्पोरेट कंपनियों से या इनमें से कोई नहीं? तो बैंकिंग प्रतिष्ठानों से ये जुड़ी हुई है। ओके, और 58 का आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन पढ़िएगा, उसको सॉल्व कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, पी का आंसर पी बराबर इसमें 840 दिया है, सी बराबर 35, तो आर बराबर क्या होगा? तो आर बराबर आएगा 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 61, 62, तो यहाँ का 61, 62 का आंसर, 61 का आंसर है डी ऑप्शन 24। ओके, और कैपिटल का शब्द उन्होंने ये बताया है, लिखा है, और नेशनल को उन्होंने बताया, नेशनल को क्या लिखेंगे? नेशनल को लिखेंगे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 63, पहला क्लोन डॉली मैं बनी, तो कौन बनी? भेड़ बनी, बकरी बनी, गाय बनी या भैंस बनी? तो ऑप्शन है भेड़, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 64, हवा सिंह क्या है? हवा सिंह ने 1966 और 1970 में लगातार एशियन खेलों में स्वर्ण पदक निम्नलिखित में से किस खेल में जीता? भारोत्तोलन, मुक्केबाज या दौड़ में या बैडमिंटन में? तो ऑप्शन है मुक्केबाजी में। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? जनसंख्या घनत्व अधिकतम है, ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 66, तांगरी नदी की सहायक नदी है, तो सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन बी घग्गर। ओके, क्वेश्चन नंबर 67, एक बार में कई ग्रहणियों को भेजा गया एक अनपेक्षित ईमेल संदेश है, तो क्या है? वो है स्पैम। क्या है? स्पैम। क्वेश्चन नंबर 68, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये सभी को पता होगा 12 अनुसूचियां हैं, 395 कहां से आ गई? 69, गांधी जी ने को साबरमती आश्रम में आश्रम से दांडी की ओर चलना शुरू किया, कब चलना शुरू किया? 12 मार्च 1930 को। ओके, बेहतरीन स्वर्ण सोल रंग का होते हैं, तो ये होते हैं किसके? नीले रंग के। ओके, क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, रेवाड़ी का यह राजा हरियाणा में 1857 के भारतीय विद्रोह के मुख्य नेताओं में से एक थे, राव सुखराम, राव तुलाराम, राव गुजरमल सिंह या राव रूड़ा सिंह? तो राव खुर्राम सिंह। ओके, राव खुर्राम सिंह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लगा लीजिएगा। ओके, इसको पढ़िएगा क्वेश्चन को और इसको सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित एक संस्कृत कवि बताना है द्वारा लिखी गई जो उसका संबंध थाने सर्व से वर्णित किया करती है, तो ऑप्शन नंबर सी बाणभट्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 75, मानव विकास सूचकांक द्वारा जारी किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन 77 का आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित दीपचंद। ओके, क्वेश्चन नंबर 78 और इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। ओके, और इसका आंसर भी देखिए 79 का समरूपता निकालनी थी, ऑप्शन नंबर डी 65 आंसर रहेगा। और 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर जो रहेगा फ्रेंड्स वो भी बी, चौधरी तैयब हुसैन रहेगा। 81 का जो आंसर रहेगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन बी यानी कि 21। ओके, क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, तो 82 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी 3/4। ओके,
क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुक्त स्त्रोत वर्ड प्रोसेसर है? तो कौन सा? ए ऑप्शन एमएस वर्ड। आपको निकालना 84 नंबर क्वेश्चन है, उसका आएगा 1। क्या आएगा? 1 आएगा। ओके, आपको 25 से विभाजित करेंगे तो 1 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 86, इसका आंसर कृष्ण सोबती, ऑप्शन नंबर डी। 87 का आंसर 29, 88 का आंसर रहेगा वह इकलौती व्यक्ति जिन्होंने दो बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। पहली बार, दो बार, एक ए जी एल नंदा। क्या है? जी एल नंदा। ओके, क्वेश्चन आप देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखेंगे कुछ इंग्लिश क्वेश्चन। तो इंग्लिश क्वेश्चन का पहले का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तो यहाँ पर ए आएगा। और 95 हिंदी में देखेंगे तो इसका ऑप्शन है बी, करण कारक। 96 का ऑप्शन है ए, प्रचार करना। 97 का आंसर है तद पुरुष, ऑप्शन ए। 98 का आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, वृद्धि संधि। 99 का जो ऑप्शन है, हम पढ़ते हैं इस वाक्य में सामान्य भूतकाल है, कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी, हमने पढ़ा। तो 100 का देखिए लास्ट क्वेश्चन, देखिए 100 का ऑप्शन नंबर बी, कर्मवाचक। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के क्वेश्चन जो आपको मॉर्निंग शिफ्ट में मिले। और फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी कमेंट कीजिएगा मुझे, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। और जल्दी मैं आपको जो इवनिंग की शिफ्ट है उसके भी एनालिसिस लाने वाला हूँ, उसका भी मैं आपको जो है पूरी फुल आंसर कीज लेकर आने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद बेल का आइकन आएगा उसे भी दबाइए, जिससे जितनी वीडियोस की नोटिफिकेशन वो तुरंत मिल जाए और उन वीडियोस को आप देख पाएँ। थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो, और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।